इतनी बढ़िया यहाँ की टैक्सी होती है, तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती टैक्सी की, आप कहीं भी खड़े हो जाओ टैक्सी मिल जाती है, आप टैक्सी बुक भी कर सकते हो ऐप से। यहीं पे था मैं कुछ दिनों से, अब मैं यहाँ से चेकआउट करके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्योंकि एक दिन और होटल बुक करना था, मैंने सोचा क्यों नहीं, जब पैसे पे करना है तो मैं एक दूसरा होटल और देख लूँ, दूसरा लोकेशन लिटिल इंडिया के आसपास। और ये तो मैं दूर था 3 किलोमीटर, और मैं लिटिल इंडिया के पास ही 1 किलोमीटर या 800-900 किलोमीटर के आसपास में मैंने होटल बुक किया है बस कल तक के लिए, क्योंकि मुझे मलेशिया भी जाना है। तो मैं जहाँ था वहाँ का ये लोकेशन मैं दे रहा हूँ, इसे कहते हैं गेलांग 6। गेलांग स्पेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेलिंग है GEYLANG। होटल क्या है, स्प्लेंडर, स्प्लेंड आउट। यहाँ देखो मैं ये बना हुआ है पैदल चलने का रास्ता, इसी पे चल सकते हैं हम लोग, रोड पे नहीं। हाँ चल सकते हो थोड़ा बहुत एकदम साइड से, ये जब बना हुआ पैदल इतना साफ बढ़िया, देखो ये क्या जोड़ता है। और ये बीच में पेड़ लगा हुआ है, आपको यहाँ पे कहीं भी स्ट्रीट में कोई शॉप नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। नॉर्मल सब दुकानें होती हैं, पर रोड पे जो साइकिल ठेली ये लगा लेते हैं वो सब कुछ नहीं होता। इधर सफाई है, जो पैदल चलने का वो पैदल चलने का, जो गाड़ी जहाँ चलनी है वहीं चलेगी, आप कहीं पे कुछ भी सामान नहीं रख सकते हो। ये देखो ये साइकिल सामने दिख रही है, ऐसे हर जगह साइकिल आपको नज़र आएगी, रख देते हैं, कोई चोरी नहीं करता। अब आराम से साइकिल भी चला सकते हो, चलाओ जहाँ मर्जी साइकिल आपको रखनी है रख दो, अपना चले जाओ, फिर दोबारा आपको वहीं साइकिल मिलेगी। अब रह गया कि किसने साइकिल उठा ली, तो क्यों उठाएगा, यहाँ कोई बेवकूफ़ आ जाए तो ऐसे गलती कर सकता है। यहाँ एक बांग्लादेशी मिला था मुझे यहीं पर, मुस्लिम था वो, इंग्लिश में बात कर रहा था, तो फिर उसने कहा कि देखो तो ये रास्ते पे था मैं, लास्ट एक बार और लोकेशन दिखा देता हूँ, ये इस रोड पे था मैं, इन्हीं होटलों में से एक में था, पीछे मेरा होटल उस इसी रोड पे है, वो कार है उसके पीछे। तो बांग्लादेशी था, मेरे से बोला हिंदी बोलो हिंदी, तो मैंने कहा कहाँ से हो, तो बोला बांग्लादेश। मुस्लिम था वो, नाम यहाँ पर ऐसे रसल रखा है पता नहीं क्यों। यहाँ पे यदि मैं कह रहा था कि जैसे कोई साइकिल यदि कोई भी उठा ले, जैसे देखो साइकिल यहाँ रखी हुई है, कोई उठा सकता है। ये देखो स्टैंड ऐसे बन, एक स्पेस बना हुआ है कि आप यहाँ साइकिल रख सकते हो। ये देखो यहाँ साइकिल, कोई लॉक नहीं है मेरे ख्याल से, बस नॉर्मल मतलब वो साइकिल वाला जो लॉक होता है वही है, और कोई नहीं। ये देखो शॉप, यहाँ पे कोई भी रोड पे कोई शॉप नहीं, रास्ते पे जो खड़े हो जाते हैं वो नहीं मिलेगा। हर जगह देखो डस्टबिन, वो भी साफ सुथरी। तो यहाँ तो कोई साइकिल इसलिए भी उठा नहीं सकता है, देखो कहीं भी साइकिल खड़ी कर देते हैं तो मतलब जहाँ कर सकते हैं वहीं करते हैं, पर कोई डर नहीं है, जहाँ मर्जी आप चले जाओ, अपना काम करो आओ। ये 7 है, ये हम पकड़ सकते हैं, 7 नंबर बताया था। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द बस स्टैंड ऑफ बस नंबर 7 दिस साइड और दिस साइड? Where are you going? Botanical Garden. Botanical, oh! Come to the chat. So, where is the stand? This bus stand, this street, Botanical Garden. So, Bugis. Bugis. Bugis, the Botanical Garden. So, how far from this? Huh? Yeah, this bus stand. Okay. Yeah. Thank you. यहाँ पे देखो अच्छे से हेल्प करते हैं, और ये पैदल चलने का, तो यहाँ से चल रहा हूँ, सामने स्टैंड है तो बस पकड़ूँगा, बस का है, हो सकता है मे भी 250-300 रुपये लगेंगे आपको, थोड़ा भी आसपास में भी जाना, क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू कम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ।
यहाँ के हिसाब से तो काफ़ी कम खर्चा होता होगा यहाँ के लोगों का, $1 की भी वैल्यू है। ये देखो रोड इतनी क्लीन है, कितना रोड साफ रहता है ना लगता है, और कोई सफाई करता नज़र नहीं आता है, पता नहीं कब करते हैं सब। पहले यहाँ कोई गंदगी ही नहीं करता है। एक दिन और, तो इसीलिए मैंने 4-5 हज़ार रुपये का एक होटल और बुक किया है एक दिन के लिए। 3 बजे जा सकता हूँ मैं, तो तब तक मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक दो जगह घूम लूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ बोटैनिकल गार्डन, तो यहाँ बोटैनिकल गार्डन बहुत अच्छा, फिर जाऊँगा गार्डन बाय द बे। मैं बस का वेट कर रहा हूँ, टैक्सी में हो सकता है मुझे 600-700 रुपये लगे, बस में हो सकता है 200 से ऊपर ही लगेगा। बस टैक्सी से तो काफ़ी कम, 1/3 के आसपास या हाफ लगेगा। मुझे बस नंबर 7 का वेट कर रहा हूँ। तो हम लगभग 2 बजे तक घूमेंगे, फिर अपने होटल जाएंगे, क्योंकि 3 बजे अलाउ होगा अंदर जाना। अब कल हम 11 बजे वहाँ से छोड़ देंगे होटल। तो ऑनलाइन जो भी होते हैं मैं वो अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ करता हूँ, और यहाँ जो मैं खर्च करता हूँ नॉर्मली मैं जब तक कैश है मैं करता रहूँगा। मेरे पास कैश काफ़ी है, कैश नहीं मिलते यहाँ का डॉलर, बल्कि मुझे मलेशिया भी गया नहीं, मलेशिया के भी मैंने काफ़ी पैसे अभी ले लिए हैं। जब मलेशिया एयरपोर्ट पर उतरा था मैं, तो वहीं से मुझे सस्ता पड़ा, 18 रुपये का शायद एक रिंगिट पड़ा। मैं टूरिस्ट बस जो होती है उसको बुक करूँगा, कुछ ऐसा कोई होगा उन जो सर्विस देते हैं वो बुक करूँगा ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड। उसको रखने का भी अरेंजमेंट करेगा, घूमने का भी अरेंजमेंट करेगा, सब करेगा। तो मैं भी बस में जैसे ही बैठूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। दिस आगे मेरी बस 7 नंबर। तो मैं थोड़ी देर के लिए, हो सकता आप मेरे साथ जुड़े रहना, इसको मैं पकड़ूंगा। बोटैनिकल गार्डन अदर साइड, थैंक यू। हमें पता नहीं था कि 7 नंबर, पता था बस ये नहीं पता था कैसे किधर से उससे उधर जाना इधर जाना है। तो मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन गैप हो तो अच्छा है, मैं आप फिर से आप लोगों को कुछ नया कुछ दिखा सकता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है नो राइडिंग, तो यहाँ पे कोई भी राइड करता नज़र नहीं आएगा। कोई साइकिल चाहे कि लेकर उठा के, हमारे इंडिया की तरह होता है ना, ये लो। तो मेरे ख्याल से 7 नंबर, ये 7A लिखा है, तो मुझे 7 का फिर वेट करना पड़ेगा। देखो ये बस स्टैंड भी कितना साफ है। ज़्यादा टाइम लग गया था फिर मैं टैक्सी ले लूँगा। Thank you.
यहाँ बस देखो अपने लेन में ही आके खड़ी हो सकती है। आप यदि एक और बात है, मैंने ये देखा कि चार बसें एक साथ आ जाएं, एक के पीछे ही खड़ी होती हैं, यानी कि राइट साइड में आके नहीं लगाते, इंडिया में लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। टैंगजांग रोड, टैंगजांग 9। मोदी जी यही करने वाले हैं, ऐसे कि ये कार्ड ऐसे बनाना चाह रहे हैं वो लोग, मोदी गवर्नमेंट ने, कि आप बस मेट्रो से एक ऐसा कार्ड रखो जो रिचार्ज करके रखो उसमें, और सीधा स्वाइप करो बस में जाओ, उतरते समय स्वाइप करो बस, वो ईजी है। जीरो डबल स्टोरी बस है, और आप देख लो कितनी फाइव स्टार बसें होती हैं सारी है, नॉर्मल।